₹500 पगार मिलेगा तो बीमारी मर जाएगा, तो ₹500 में खाना खाएगा कि वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा। कोई घर में बीमार पड़ेगा तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उधर लोग से धार लेना पड़ता है, उधर लेना पड़ता है पैसे, सरकार तो कुछ नहीं किया उसके लिए। मेरा तो अभी तक पढ़ने का उम्र है, क्या करो, रोजगार के जैसे काम करना पड़ रहा है। काम करता है, हार्ड टाइम काम नहीं मिलता है, बाहर जाएगा ठेकेदार का अंडर में तो पैसा वैसा लेके भाग जाता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए इधर ₹500 दे फिर भी करना पड़ता है। हर चीज महंगा बढ़ रहा है, घर में चावल दाल उसके बाद लकड़ी भी खरीदना पड़ता है। सामान में तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करने का कोई तो वैल्यू नहीं है, जितना पढ़ाई लिखाई करो सरकार तो नौकरी तो देता ही नहीं है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई इसे चलाता है, उससे कोई फायदा ही नहीं है। मेरा बीवी बच्चा है, तकलीफ होता है, घर में पढ़ाएगा शिक्षा कैसे देगा, इसके लिए भी मुश्किल है, ₹500 में तो नहीं चलता है ना।